हिजाब विवाद के बाद सीएम शिवराज ने सलाह दी है मंत्रियों को। विवादित बयानों पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। विवादित बयानों से मंत्री बचें, किसी भी प्रकार के विवादित बयान ना दें। कैबिनेट बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री ने ये सलाह दी, किसी भी प्रकार के विवादित बयान ना दिए जाएं। और मंत्रियों को ये कहा गया है, नाराजगी जाहिर की गई जिस तरह से हिजाब को लेकर सियासी बयानबाजियां इस वक्त चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के इन बयानों पर नाराजगी जताई है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता सूरज शर्मा का, हम रुख करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर सूरज, जिस तरह से बयानबाजियां इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है, क्या कुछ कहा गया, किस तरह से सलाह दी गई है मंत्रियों को इस मामले से बचने के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कर्नाटक में हिजाब का विवाद था वो मध्य प्रदेश में भी जन्मा, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कल दिन भर विवाद की स्थिति रही, बड़ा घमासान रहा, अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग बयान आए जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता में एक गलत संदेश गया। उसको वही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक के बाद सलाह दी है कि मंत्रियों को कंट्रोवर्सियल जो बयान है वो देने से बचना चाहिए, इससे सरकार की छवि भी खराब होती है। पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर मंत्रियों ने अलग अलग बयान दिए और वह समाज में पूरे प्रदेश की जनता में एक गफलत का माहौल बना कि आखिर सरकार का बयान क्या है, कौन मंत्री क्या कह रहा है, तो इसमें सरकार की तरफ से क्या बयान है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कंट्रोवर्सी पैदा होती है, गलतफहमी पैदा होती है और एक जो सामाजिक सौहार्द है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता है। शायद यही वजह है कि इस तरीके से मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर घमासान मचा, सभी मंत्री कल अलग अलग बयान दे रहे थे। आज फिर जो पूर्व प्रोटेम स्पीकर हैं विधायक रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा कि हम जब चाहें ड्रेस कोड लागू कर देंगे, और क्या स्कूलों को मदरसा बनाना चाहती है कुछ लोग। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता में एक गलत संदेश जाता है, एक समरसता सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, ऐसे में कहीं ना कहीं सोच समझकर बयान देना चाहिए ताकि जनता के बीच भी गलत संदेश ना जाए और खासतौर से सरकार की जो छवि है वो ना बिगड़े। यही कारण है कि कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को यही निर्देश दिए हैं, सलाह दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्रोवर्सी वाले मामले में बोलने से बचे और ऐसा कोई बयान ना दें जिसमें जनता के बीच एक गलत संदेश जाए, क्योंकि इसके पहले भी कई मौके आए जहां पर इस प्रकार की बयानबाजी की गई थी और मुख्यमंत्री ने निर्देश किया था। लेकिन अब एक दोबारा फिर से स्थिति बनी है और विवाद को लेकर जो घमासान मचा है शायद अब उसका पटा छेफ हो, क्योंकि एक बार फिर स्कूल शिक्षा मंत्री ने इंदर सिंह परमार ने साफ कर दिया है कि कोई भी प्रकार के ड्रेस कोड लागू करने पर सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार की छवि खराब ना हो, जनता के बीच में गलत संदेश ना जाए, यही कोशिश सरकार की, इसीलिए कॉन्ट्रोवर्शियल जो टॉपिक है, जो मुद्दे हैं, उन पर विवादित बयान देने से मंत्रियों को बचना चाहिए, ये मुख्यमंत्री ने सलाह दी है। धन्यवाद आपका सूरज जानकारी के लिए।